Hey, what's up guys, Shubho Siddharth here and you're watching PixelSpark Studios. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिलुएट के अंदर किस किस टाइप के शेप्स अवेलेबल है और किस शेप को किस वक्त यूज़ करना चाहिए. तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर में जंप करते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में जो घंटी दिख रही है उसे दबा दे, क्योंकि ये आपके बहुत काम आ सकता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके रखिए, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा. और एक लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो. तो मैं बता देता हूँ कि सिलुएट के अंदर बेसिकली तीन टाइप की शेप्स अवेलेबल होती हैं. पहली होती है बेजियर, दूसरी एक्सप्लाइन और बी स्प्लाइन. तो ये तीन ही शेप्स है, और भी शेप्स है लेकिन वो यूजुअली यूजलेस काइंड ऑफ ही है, उनको कभी यूज ही नहीं करते हैं, बहुत रेयरेस्ट और द रेयरेस्ट केस में यूज करती है. तो बेसिकली मैं इन तीन शेप्स के ऊपर ही इस वीडियो के अंदर बात करूंगा और उनके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स दोनों मैं बताऊंगा. तो चलिए डाइव करते हैं अपने ट्यूटोरियल के अंदर में. तो अभी हम सिलुएट के अंदर आ गए हैं. अगर आपको पता नहीं है कि कैसे फुटेज को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसका मैं यहां पे कार्ड्स में दे देता हूं, उसमें आप जान पाएंगे कैसे करते हैं. तो भी आपको बता देना कि इसकी कितने टाइप के शेप्स अवेलेबल है. बेसिकली यहाँ पे पांच टाइप के शेप्स अवेलेबल है. एक है बी स्प्लाइन, फिर नीचे एक्स स्प्लाइन, फिर बेजियर, फिर ये स्क्वायर जो कोई यूज़ नहीं करता, फिर सर्कल जो भी कोई यूज़ नहीं करता. तो सबसे पहले मैं बेजियर को लेकर बात करता हूँ, ठीक है. तो ये है बेजियर. तो इनमें से जितने भी सारे टूल्स है उसमें सबसे पहले इन दो को छोड़ के जो यूजलेस है, सबसे पहले आया था बेजियर. ये सबसे पहले अराउंड 80s 90s के बीच में, मुझे पर्टिकुलर डेट याद नहीं है, इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे पहले आया था और तब से ये बेजियर चल रहा है. तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ बेजियर क्या है. तो मैं थोड़ा बहुत इसका एग्जांपल देता हूँ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी यहाँ पे जैसे कि फोटोशॉप है, उसके अंदर जो पेन टूल है वो भी यही बेजियर है. इलस्ट्रेटर के अंदर तो सबसे पहले आया था, ऑब्वियसली उसमें होना ही है. आफ्टर इफेक्ट्स में जो रोटोशेप जिसे ड्रॉ करते हैं पेन टूल, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी है. और जितने भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है जैसे कि न्यूक है, उसके अंदर भी ये आप देख पाएंगे. जहाँ पे भी सिलेक्शन के कोई टूल्स होते हैं वहाँ पे बेजियर यूज़ होता ही है. तो मैं भी आपको इसका ब्रेकडाउन करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली इसे काम कैसे करता है, इसे ड्रॉ कैसे करते हैं. तो इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल माउस को तो क्लिक करना ही पड़ेगा. क्लिक किया, उसके बाद जहाँ पे हमें कर्वेचर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो उसके बाद अगर क्लिक करके होल्ड रखेंगे तो ये अपना कर्व यहाँ पे ड्रॉ होगा. जितना इसको बोलते हैं हैंडल्स, ठीक है, इसको आप जैसे होल्ड करके जितना मूव और आगे पीछे करेंगे उतना होगा, ठीक है. उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए और फिर से आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्वेचर बन, आपका शेप बन जाएगा. और इसको क्लोज करने के लिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कैसे सर्कल आएगा, तो इसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका एक शेप कम्प्लीट हो जाएगी. तब इसका आप ओवरऑल पूरा शेप का मैं थोड़ा ब्रेकडाउन करता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है. तो ये है हमारा एक शेप, इसको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट, ठीक है. ये बेसिकली आपने शीशो देखा होगा तो उसका जो फलकम होता है उसी टाइप का एक है. इसको बोलते हैं टेंजेंट या हैंडल्स, तो मैं इसको हैंडल ही बोलूँगा. क्योंकि अब देखिए क्या होगा, मैं अगर इसको क्लिक करके मूव करूँगा तो देख जैसे शीशो के अंदर होता है, एक साइड को पुल करेंगे तो दूसरा साइड उठेगा, एक साइड को नीचे करेंगे तो ये ऊपर होगा, वाइस वर्सा ऐसे हो रहा है. और इसी से इसका कर्वेचर कंट्रोल होता है. देखिए अगर मैं इसको जितना दूर पास लेके आऊँगा, जितना पास लेके आऊँगा उतना लाइन स्ट्रेट होएगी, और जितना मैं इसको दूर लेके जाऊंगा उतना ही लाइन कर्व होगी और वाइस वर्सा, ठीक है. और अगर आप चाहते हैं कि ये मैं इस साइड वाला ये कर्वेचर मेरा ना चेंज हो और खाली इस साइड वाला कर्वेचर ही चेंज हो, तो वो भी आप कर सकते हैं. उसको ले करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा कि ओल्ड को दबाइए, उसके बाद हैंडल को पकड़िए, उसके बाद मूव करेंगे तो खाली इस साइड का जो कर्वेचर है खाली वही मूव होगा. अभी मैं इसका ड्रॉबैक बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना है, बहुत ही काफ़ी पुराना है. सबसे पहले यही आया, तो इसके ड्रॉबैक ये हैं कि एक इसको बनाने के लिए और इसको एनिमेट करने के लिए हमें दो चीज़ों को एनिमेट और मूव करना पड़ता है. पहला है ये अपने ये कंट्रोल पॉइंट, ये इसके पोजीशन को डिफाइन करता है. और दूसरा इसके कर्वेचर को कंट्रोल करने के लिए इसके कंट्रोल पॉइंट या टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसको भी हमें मूव करना पड़ता है, इसको भी एनिमेट करना पड़ता है. तो जहाँ पर कि जो बी स्पाइन है उसमें खाली एक ही पॉइंट के जरिए उसे पोजीशन भी चेंज होती है उसके, और उसे कर्वेचर भी डिफाइन होता है, तो उसमें कम मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू बेजियर. तो चलिए मैं अभी बी स्पाइन के जरिए आपको समझाता हूँ वो क्या है, उसका क्या बेनिफिट होता है. तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आई बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे हाइड हो जाएगी, तो हाइड हो गया. अभी हम चलते हैं बी स्पाइन के अंदर में, ठीक है. तो ये हमारा बी स्पाइन है, बी स्पाइन. तो बी स्पाइन का फंडा सिंपल है, क्लिक कीजिए जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पे दबाइए और ये कर्व अपने आप कर्वेचर बनता जाता है.
बी स्प्लाइन का बेनिफिट ये कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसमें कर्वेचर बनता रहता है जैसे आप क्लिक करोगे, और अगर बेजियर में करोगे तो डायरेक्ट अगर क्लिक करते जाओगे खाली कॉर्नर पॉइंट्स ही आएंगे। रुकिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या होगा अगर बेजियर के अंदर खाली क्लिक करेंगे तो बेजियर के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक फंडा है मैं आपको बताना भूल गया, ये है कि बेजियर के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉर्नर होते हैं। अगर आप उसके कर्वेचर नहीं ड्रॉ करना चाहते तो अगर खाली क्लिक करेंगे तो खाली कॉर्नर बन के आएंगे, और जो बी स्प्लाइन के अंदर जो होता है वो उल्टा होता है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कर्व्स बनता है जो कि बेजियर के अंदर नहीं होता। तो अभी बी स्प्लाइन के अंदर आपको मैं दिखा दूंगी इसके अंदर जो बेजियर के अंदर होता था कि बाय डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट कॉर्नर पिंस ड्रॉ होती हैं, और बी स्प्लाइन के अंदर होता है क्या कि बाय डिफॉल्ट कर्वेचर ड्रॉ होता है। तो उसके लिए हमें और कुछ नहीं करना पड़ता, खाली माउस क्लिक करेंगे जहां जहां पे कर्वेचर है वहां पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए कर्व अपने आप यहां पे बन गया है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बी स्प्लाइन के अंदर हमें बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है। अब मैं बी स्प्लाइन को कैसे एनिमेट करते हैं और कैसे इसको और रिफाइन करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो बी स्प्लाइन का ये है कंट्रोल पॉइंट। बी स्प्लाइन का बेनिफिट ये है कि इसमें कोई कंट्रोल इसमें खाली कंट्रोल पॉइंट्स है, कोई हैंडल्स नहीं है, तो इसे हमें कुछ भी एनिमेट या मूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को ही मूव करना पड़ेगा। तो इसको और रिफाइन करने के लिए उस पॉइंट को आप सिलेक्ट कीजिए, ओल्ड दबा के इसे खींचेंगे और प्रेस करेंगे तो ये इसके जो कर्वेचर है ये उसको मनूवर करेगा, कम या बेसी करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैं ओल्ड प्रेस करके इसको कर रहा हूँ, तो जितना आपको कर्व चाहिए उसको आप रिफाइन कर सकते हैं, तो यही बेनिफिट है इसका। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जैसे बेजियर के अंदर तो क्या होता है अगर कुछ नहीं करेंगे तो कॉर्नर्स बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन अगर आपको बी स्प्लाइन में भी कॉर्नर पॉइंट्स करने हैं तो कैसे करेंगे। अगर जैसे जस्ट इमेजिन कर लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे कॉर्नर चाहिए तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कॉर्नर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉर्नर हो गया। अब हम चलते हैं एक्स स्प्लाइन की ओर पे, जो कि बहुत ही अच्छा है और मैं इसे ही प्रेफर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द मेरे को सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है जो कि बी स्प्लाइन के अंदर भी है, जो बेजियर के अंदर भी है। तो पहले मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। तो चलिए अभी हम अपना एक्सपेंड को एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सपेंड है क्या। ओके, एक्सपेंड को ड्रॉ करने के लिए भी सिंपल है, कुछ नहीं है, इसका भी एक कंट्रोल पॉइंट ही है, जहाँ जहाँ पे आपको कर्व चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और ये सब आप जब ज़्यादा जानेंगे तब आप जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये वैसा ही है जैसे आप साइकिल चलाना तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसको खुद चलाएंगे नहीं, तो बेसिकली इसको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के साथ ही आप इसको जान पाएंगे रोटोस्कोपी एक ऐसी चीज़ है। तो हम लोगों ने एक्सपेंड ड्रॉ कर लिया। अब जैसे कि बी स्प्लाइन के अंदर होता था कि उसके अंदर भी एक ही कंट्रोल पॉइंट था, तो इसके अंदर भी एक ही कंट्रोल पॉइंट होता है, और इसके भी इसको भी रिफाइन करने के लिए इस पॉइंट से ही रिफाइन होता है इसको, अगर इस कर्वेचर को और रिफाइन करना है तो इसको कंट्रोल पॉइंट एक ही, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल दबाएंगे और इसको खींचेंगे, तो देखिए इससे भी सेम जो एक्सपेंड के अंदर होता था, सेम जो बी स्प्लाइन के अंदर होता था, इसका भी कर्वेचर बन रहा है। बट आप पूछोगे इसके अंदर डिफरेंट चीज़ क्या है, ये तो बी स्प्लाइन के अंदर भी है तो मैं एक्सप्लाइन क्यों यूज़ करूँ। तो इसका बेनिफिट ये है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे इसके अंदर और ऑप्शंस आ गए हैं, इसके अंदर कार्डिनल भी है। कार्डिनल मतलब अभी मैं क्लिक करूँगा तो आप समझ पाएंगे, तो मैं कार्डिनल पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी मैंने कार्डिनल पर क्लिक कर दिया तो हुआ क्या, आप देख सकते हैं कि बेसिकली बी स्प्लाइन में होता ये है कि जो मेन हैंडल पॉइंट है या जो कंट्रोल पॉइंट है वो बाहर रहता है, और लाइन जो है जो शेप रहती है वो अंदर की तरफ रहती है। और कार्डिनल के अंदर होता क्या है कि जो शेप है और जो पॉइंट है दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों इंटरसेक्ट कर गए हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको पता नहीं होता कितना कर्वेचर वहाँ पर चाहिए होगा, तो डायरेक्टली कार्डिनल करने से क्या होगा उस लाइन के जरिए ही वो पास करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कार्डिनल कर देता हूँ, जैसे कि इस शेप को अगर कार्डिनल करूँगा तो देखिए क्या होगा, मेरे को जिस पॉइंट पे चाहिए था उस पॉइंट पे ही हो जाएगा। तो जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है कौन सा शेप किस वक्त यूज़ करना चाहिए, तो मेरे क्या प्रेफरेंसेस है और क्या बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं प्रीफर करता हूँ एक्सप्लाइन को हर वक्त यूज़ करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर ऑर्गेनिक शेप्स है जैसे कि मतलब कोई क्लोथ रोटो कर रहे हो, कोई ह्यूमन का रोटो कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि आप एक्सप्लाइन यूज़ करें या बी स्प्लाइन यूज़ करें, बेजियर जिंदगी में भी यूज़ ना करें, क्योंकि अगर बेजियर यूज करेंगे तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको दो गुना या तीन गुना काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ों को एनिमेट करना पड़ता है, एक तो पोजीशन के लिए उसे कंट्रोल पॉइंट को और दूसरा है उसके हैंडल्स को।
तो इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहीं पे जो हमारा एक्सप्लाइन है वो सबसे मोस्ट रोबस्ट टूल है, उससे आप मैक्सिमम सारे के सारे काम कर सकते हो। और अब मैं ये भी नहीं बोला कि बेजर को यूज़ ना करें, बेजर को यूज़ कीजिए कोई स्टैटिक चीज़ को बनाने के लिए, जैसे इनऑर्गेनिक चीज़ है, जैसे कि ये हमारा ये कैमरा है, अगर मुझे बोला जाए रोटो करने के लिए, क्योंकि इसकी शेप ओवर द टाइम ऑफ पीरियड चेंज नहीं होगी, खाली इसका पोजिशन चेंज होगा, तो इसके लिए मैं प्रीफर करूँगा बेजियर को। तो आप समझ रहे होंगे जो चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसकी शेप चेंज होती है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनिक शेप अपने हाथ है, उसके लिए मैं प्रीफर करूँगा B-spline या X-spline। और जो इनऑर्गेनिक है जैसे कि ये कैमरा है, क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम में इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसीलिए मैं इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगा बेजियर, क्योंकि उसके अंदर मेरे को और ज़्यादा इजीली मैं उससे ड्रॉ कर पाऊँगा यूजिंग लेस पॉइंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल एक रोटो करके दिखाऊंगा, बेसिक्स ऑफ रोटो मैं उसके अंदर बताऊंगा कैसे सिंपली आप रोटो ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में जो घंटी है उसे प्लीज़ दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक कर दीजिए, अगर नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। और आपको कैसा ये वीडियो लगा, इसमें क्या खामियां हैं, या फिर आप चाहते हैं मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में भी मुझे लिख सकते हैं। सो टिल नाउ दैट्स इट, बाय बाय, पीस।